करना चाहती थी तुम? वो हमने सोते हुए चलने की आदत है ना, इसलिए। तो इस वीडियो में तुम सो रही थी? देखिए, दरअसल हम आपसे माफी मांगने ही आ रहे थे, पर अगर हम आपको सच बताएंगे ना तो आप हम पे हंस देंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा था कि आप हम पे जादू टोना कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि अंजलि जी ने आपको वो विभूति दी थी। हमसे गलती हो गई और इसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? हमारे लिए यही सजा ठीक है और हमें सजा मिली भी। आप हमें माफ कर दीजिए और ये काढ़ा पी लीजिए। वो कुछ दिनों से पता नहीं हमें क्या हो गया है, अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं और हम परेशान थे तो बुआ जी ने कहा कि शायद हम पे कुछ जादू टोना हो रहा है। फिर हमने आपको जाते हुए देखा तो जाते हुए वो पेड़ के पास आप कुछ कह रहे थे, आपके हाथ में नींबू मिर्च, तो हमने सोचा, गलत सोचा। देखिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये काढ़ा पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दी, आपने मुझे बुलाया? जी लावण्या जी, ये कल के लिए साड़ी और कुछ गहने हैं, और इसमें जो कलर है ना वो छोटे का फेवरेट है। ओह कूल, थैंक यू सो मच दी। अंजलि जी, हमने अर्णव जी को काढ़ा दे दिया। अरे, हम काढ़े के चक्कर में तो भूल गए, एक मिनट। हैप्पी दिवाली खुशी जी। अंजलि जी, ये सब नहीं, हम ये नहीं ले सकते। हमने आपके लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया और हम आपसे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हम आपको दे रहे हैं ना, चुपचाप ले लीजिए, वरना हम नाराज हो जाएंगे। नहीं अंजलि जी, हम ये नहीं ले सकते। चमकीली, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ले लो ना। मगर हम ये कैसे? चमकीली, एक गिफ्ट ही तो है, ले लो प्लीज। देखिए अंजलि जी, लावण्या जी, आप लोगों ने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ, आप प्यार से नहीं लोगे तो ठीक है, हम आपको छोटे की तरह गुस्से में दे देते। ये लीजिए। लीजिए ना, हमने इनके लिए पूजा रखी थी, ये आपके परिवार के सारे कष्ट दूर करें। आप इन्हें लेने से तो मना नहीं करेंगे ना? अरे हाँ, लेन देन की तो बात रह गई, कल आपको हमारे लिए मिठाई लानी होगी, ठीक है? शुक्रिया। कल आप जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
जरूर। माफ कीजिए अंजलि जी, लेकिन हम ये पायल नहीं ले सकते। क्यों? वो दरअसल हम सिर्फ अपनी अम्मा की दी हुई पायल पहनते हैं। वो क्या है ना, उनकी सिर्फ यही निशानी है हमारे पास। हमेशा इसे पहने रहते हैं तो अम्मा को अपने साथ महसूस करते हैं। हम समझ सकते हैं। अब अच्छा हम चलते हैं। बाय चुनकी। हे परमेश्वरी, ये घर में सुख शांति बस अब तुम ही ला सकत हो। क्या हुआ बुआ जी? 10 साल पहले हमरा बबुआ एक नेक काम किए रहा। एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी अपने सर पे उठाएगी। आज वही ससी बबुआ अंदर कमरे में खाट पे पड़े हैं, ना हाथ पैर चला सकत है, ना अपन मन की बात मुंह से कह सकत है। वो छोटी सी बच्ची जी को हमरा बबुआ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करत है, वो हमरे सामने बैठी है। ए तितलिया, तू अपने बाबूजी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकत है का? तिसे खुशी भी नहीं दे सकत हो। जानते जानते तुम ना कर दिए हो, और गरिमा तुम्हारी बात मान ली है। पता है आज तुम्हारे कारण श्याम बबुआ को दुनिया की 4 ऊंची नीची बातें सुननी पड़ी। चलो भूल जाओ, रहने दो, लेकिन वो जो एक अनाथ का बाबूजी बना उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। कल शाम तक तुम्हारा मन बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। हमको निराश ना करना तितलिया। माफ कर दीजिए और एक काढ़ा पी लीजिए। से कुछ फर्क पड़ा? हम जानते हैं बुआ जी तुमसे क्या कह रही थी, पर खुशी तुम वही फैसला लेना जो तुम्हारा दिल चाहता है। हम तुम्हारे साथ थे और हमेशा रहेंगे। चलो अभी बहुत देर हो गई, कल सुबह उठ के ढेर सारी मिठाई भी तो बनानी है। अब
दी, आपने कहा था कि रेड कलर की साड़ी है, पर ये तो ब्लू है। अरे, लगता है हमसे गलती हो गई। सॉरी लवण्या जी। अब दी, इट्स ओके, प्लीज डोंट बी सॉरी। अगर ये साड़ी आपके पास है तो खुशी जी के पास? अरे वाह, कितनी सुंदर है।